पटवारी के भ्रष्टाचार से तंग आकर ग्रामीणों ने नरवर तहसील में कलेक्टर के लिए सौंपा एसडीएम साहब को ज्ञापन। ऐसी एक समस्या देखने को मिली है नरवर नगर के नजदीकी ग्राम चक्रामपुर के ग्राम उदयपुर में, जहां पर पदस्थ पटवारी सुनील उपाध्याय द्वारा ग्रामीणों से भूल लगने के नाम पर उन्हें अवैध वसूली को लेकर हल्का सा हटाने की कलेक्टर से मांग की है। आए दिन यहां पर भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। राजस्व की मिली भगत से नरवर नगर के निकट शिवपुरी लिंक रोड नरवर पर अवैध कब्जा कर लोगों ने लाखों रुपए की क्रय विक्रय कर शासकीय बेशकीमती भूमि को, जो कि माप पर वाले के रास्ते में लिए हुई है, जहां पर इस पर भी कब्जा कर रखा है। क्योंकि शिकायतों पर राजस्व विभाग इन भूमाफियाओं पर कार्यवाही से वंचित बना रहता है, क्योंकि सभी की मिलीभगत से अतिक्रमण कर लाखों रुपए के क्रय विक्रय का बिजनेस बना हुआ है। नेताजी, जो आपने आज जो विज्ञापन दिया है, ज्ञापन दिया गया है, इस विषय में क्या कहोगे आप? आज जो हमने ज्ञापन दिया है वो इसलिए दिया है कि नरवर तहसील में जो पटवारी पदस्थ है सुनील उपाध्याय चक्रामपुर हल्के पे, वो काफ़ी भ्रष्टाचार मचा रहा है। उसकी ग्रामीणों ने नरवर तहसीलदार से एक बार शिकायत करी, लेकिन सर गोलमाल है, तहसीलदार को भी हिस्सा आता है, इसलिए तहसीलदार ने कार्रवाई नहीं करी। ग्रामीणों को पागल बना रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ, और तहसीलदार में टंकी की छोर से कहता हूँ तहसील में कि कोई भी एक रुपया ले इस तहसील में तो मेरे से कहो, और पटवारी अगर नहीं हटा तो पटवारी तो नहीं है, घोषणा कर रहा हूँ कि तहसील भी तहसीलदार भी यहाँ से हटेगा। मोदी जी का कहना है ना खाएंगे ना क्या खाने देंगे। दूसरी बात, नरवर में जो अतिक्रमण हो रहा है, पार वाली माता जाकर हृदय स्थल है नरवर का, वो आप देख लो, लाखों लोग हजारों लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। निचली रास्ता जो है पार वाली मंदिर की पूरी बंद कर दी है। एक और जहाँ पूरा विश्व की निगाहें राम मंदिर पे हैं, एक भव्य राम मंदिर बनाने जा रहे हैं सभी के सहयोग से, यहाँ मंदिरों की ये कंडीशन है कि यहाँ पर मंदिरों की जमीनों को सरकारी अधिकारियों की मिली वगैरह से खुरदुरु किया जा रहा है। आप पारवाली माता पे चले, दोनों तरफ लाखों की करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि को लोगों ने घेर कर बेच रहे हैं, खुरदुरु कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं। अगर आज ज्ञापन दिया है एक पटवारी के विरोध में, दूसरा अतिक्रमण के विरोध में, यहाँ के तहसीलदार पटवारी इतनी गहरी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं कि उनको होश ही नहीं है क्या कहाँ क्या हो रहा है। उनसे एक बार पुनः कहूँगा, आपको शासन ने गाली दी है, तनख्वाह दे रही है सरकार आपको, आप सरकार नहीं है, आप सरकार के नौकर हैं। यदि कार्रवाई नहीं की तो हम वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व से कहकर आपको भी हटवा देंगे। कार्रवाई नहीं हुई तो पटवारी को भी निरस्त होना चाहिए और अतिक्रमण ही हटना चाहिए। इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वरिष्ठ अधिकारियों से क्या बात हुई आपकी, क्या अनुरोध? वरिष्ठ अधिकारियों से एडीएम साहब को आज मेरा एक ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने बोला है कार्रवाई नहीं करेंगे, दो चार दिन देखते हैं, नहीं करेंगे तो सारी जनता कलेक्टर साहब के पास जाएगी और कलेक्टर साहब भी नहीं सुनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पटवारी और तहसीलदार को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, हटवा देंगे। क्या अनुसार जो एसडीएम को ज्ञापन दिया, तो क्या कुछ था उन्होंने? एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि तहसीलदार मैडम जाकर के वहाँ पर जांच करेंगी, जांच करेंगी तो पूरा गांव, ये गांव वाले आए सब तैयार हो, आप लोग जांच करो, पाँच हजार रुपये लिए मैडम जांच करेंगी और जांच करने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उन पर अपने नेतृत्व और जिले के कलेक्टर मांग करेंगे। समस्या ये है साहब, पटवारी जी हमारे यहाँ गए थे लगान के लिए, तौली के लिए, उसने और बहुत से पैसे लिए। पहले हमारे 100 रुपये लगते थे, जहाँ इस बार 1000 रुपये लगे। किस बात के लिए? तौली के लिए। पटवारी कौन है वहाँ? पटवारी सुनील उपाध्याय, और उन्होंने बहुत ही पैसा उन्होंने वसूल लिया पूरे गाँव से। बाद में चर्चा हुई इतने पैसे क्यों ले गए, तो हमने उनसे पूछा दी, तो पटवारी हमसे और दोबारा अंटसंट बातें करने लगे, बोले आपको क्या मतलब इस बात से, और आपसे अतिक्रमण के नाम से कितने पैसे? अतिक्रमण के लिए उन्होंने 5,000 रुपये दिए और 1,000 रुपये की रसीदें दी। पैसे देने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि तहसीलदार वगैरह को आपने सूचना दी हो? नहीं, उन्होंने कहा तो हमने तहसीलदार के पास ही आया, 4-5 दिन पहले हमारे ज्ञापन दिया था,
आवेदन लगाया था, तहसीलदार ने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईजीएम को ज्ञापन सौंपा, आईजीएम ने क्या कहा? हाँ जी, हम इसीलिए पूरे ग्रामवासी आए हुए हैं और एसडीएम साहब के पास ज्ञापन सौंपा, उन्होंने भी कहा है कि चलो तहसीलदार साहब तुम्हारे गाँव में ही जा करके इस समस्या का निराकरण करें। तो हम उनको देखते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे सिपरी के लिए कलेक्टर साहब के पास या मंत्री के पास, सुरेश राठौर जी के पास पहुँचेंगे। और जब तक हमारा ये कार्रवाई पढ़वाई का यहाँ पे हमारी भीड़ से निलंबित नहीं किया गया, जब तक हम शिकायतें करते रहे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुशवाहा। किस गांव से हो? ग्राम मुदियापुर। क्या समस्या आपके गांव की? सर वो पटवारी के खिलाफ वो ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन ज्ञापन सौंप दिया आपने? हाँ। किसको सौंपा ज्ञापन? एसडीएम साहब को। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा है कि दो चार दिन में आपकी सुनवाई हो जाएगी। अगर सुनवाई नहीं होती तो और कलेक्टर महोदय को या और किसी को भी देखें। विज्ञापन दिया है, ज्ञापन दिया गया है, इस विषय में आप क्या कहोगे? अभी जो जो 5,000 रुपए की राशि मांगी गई थी लोगों से, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शिवपुरी से मणिका शर्मा की रिपोर्ट।